मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे भारत की महान मुस्लिम शासिका चांद बीवी के बारे में। दक्षिण भारत के छोटे से राज्य अहमदनगर का मुगल साम्राज्य से लोहा लेना बड़े साहस का कार्य था, किंतु अहमदनगर ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि चांद बीवी जैसी वीरांगना का कुशल नेतृत्व मिल जाए तो अकबर जैसे प्रतापी सम्राट की सेना को भी मुंह की खानी पड़ सकती है। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शासन का काम भी इनकी मां देखती थी। मां ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। थोड़े ही समय में चांद बीबी रणनीति और राजनीति दोनों विधाओं में कुशल हो गईं। चांद बीवी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आदिल शाह की हत्या कर दी गई और गद्दी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। दरबार के अमीर और सरदार भी अलग अलग गुटों में बंट गए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दुखी होकर चांद बीवी अपने भाई के पास अहमदनगर चली गई। चांद बीवी ने सोचा था कि अहमदनगर में वे शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी, किंतु शांति से जीवन व्यतीत करना चांद बीवी के भाग्य में था ही नहीं। कुछ समय बाद ही उनके भाई इब्राहिम की भी हत्या कर दी गई। दरबार के अमीर अपने अपने उम्मीदवार को गद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। दरबार के अमीरों की फूट और आपसी झगड़ों से अहमदनगर की शक्ति घट गई। राज्य की शासन व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूतों से संदेश भेजा कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लें। खानदेश को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा। दक्षिण के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से शत्रुता थी और राज्यों में दरबारियों के अलग अलग गुटों से झगड़े चल रहे थे। अहमदनगर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल दिया था, लेकिन दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने दरबार के अमीरों तथा सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। यह चांद बीवी की प्रथम सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ करने के लिए चांद बीवी स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थीं। वे मोर्चों पर जाकर सैनिकों का उत्साह वर्धन करती थीं। युद्ध कई दिनों तक चला। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग में बारूद लगाकर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए, क्योंकि अब मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब तो विजय निश्चित ही है, किंतु चांद बीवी रात भर दीवार पर खड़े होकर सैनिकों और कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रहीं। रातों रात किले की दीवार की मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अहमदनगर का घेरा चलता रहा। ना तो चांद बीवी हार मानने को तैयार थीं और ना ही मुगल सेना घेरा उठाने को तैयार थी। एक बार अहमदनगर की सेना के पास तोपों के गोले समाप्त हो गए।
सैनिकों में निराशा छा गई, किंतु चांद बीवी ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने सोने चांदी के गोले ढलवाए जिनका प्रयोग तोपों में किया गया। इधर अहमदनगर की सेना के पास साधन कम हो रहे थे और उधर मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीबी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। दोनों पक्ष युद्ध से ऊब गए थे, अतः वे संधि करने को तैयार हो गए। चांद बीवी ने बरार का क्षेत्र अकबर को देना स्वीकार कर लिया। संधि के बाद बहुत दिनों तक मुगलों ने अहमदनगर की ओर आंख नहीं उठाई। 5 वर्ष बाद मुगलों ने अहमदनगर पर पुनः आक्रमण किया, किंतु इस समय चांद बीवी नहीं थी। दरबार के अमीरों ने षड्यंत्र करके इस महान महिला की हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर भी चांद बीवी की बहादुरी और हिम्मत की इज्जत करने लगा था। कहा जाता है कि अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने उन सरदारों को ढूंढवाकर मृत्युदंड दिया जो चांद बीवी की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। धन्य है चांद बीवी जिनके स्वतंत्रता, प्रेम, धैर्य, शौर्य और साहस के कारण उनके शत्रु भी उनकी इज्जत करने लगे थे।